Your money to sell business as an education industry, or maximum life insurance. Travel Center, this is all, that's all for you. Travel Center, to sell business, your money. Okay, you know something, but I knew that this is the least of all this is your offer. Have you ever had a chance to enjoy it? This is used life insurance on last of all, no model to information. All of your business, why is it that you have it? Then you take a vault over there. Over there, the barrels are finished, see it linear. Set up speed. All for the optimal smartphone. आवाज एंटरप्रेन्योर ने अभी तक आपने देखा कि किस तरह से एसएमईज को फाइनेंस को लेकर दिक्कतें होती हैं और कब कब एसएमईज को फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। एसएमईज की फाइनेंस की इन दिक्कतों पर बात करने के लिए हमने सोचा कि कुछ ऐसे लोगों से बात करें जो एसएमईज के कंसर्न्स को आगे भी रख सके और एसएमईज के कंसर्न्स को एड्रेस भी कर सके। तो हमारे पास यहाँ पर तीन ऐसे लोग मौजूद हैं जो इनफैक्ट इस पूरी हमारी मुहिम को अप्रिशिएट भी करते हैं और इनफैक्ट यहाँ पर हमें कुछ सजेशन भी देंगे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ए के बंसल। एसएमईज का परस्पेक्टिव देने के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं राजीव शर्मा जो की फैदाबाद स्मॉल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और साथ ही हैं गिरीश गुप्ता जो की गुजरात एनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंटरलिमिटेड के चेयरमैन भी हैं और साथ ही साथ आगे की तरफ एक एसएमई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में शामिल होने के लिए। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी ट्रैवलर साहब, आप बताइए क्या आपको लगता है कि एसएमईज और बैंकर्स एक दूसरे के लिए इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है? एब्सोल्युटली, इनफैक्ट एसएमईज के बैंक के बिना अपना जीवन या डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट को सोच नहीं सकते। और मुझे लगता है आज के समय में बैंक भी बिना एसएमईज को अपना फोकस रखे कोई बैंक बिजनेस नहीं कर पाए। और मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि न केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस या कोई गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, बल्कि एज ए बिजनेस फैक्टर भी आज बढ़ता हुआ शेयर है एसएमईज का बिजनेस बाजार में। और एसएमईज बहुत अग्रेसिव हो गए हैं, बहुत ग्रो कर रहे हैं, इंटरनेशनली कम्पीट कर रहे हैं, दोनों विजिट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, बैंकों के लिए भी और आउटसाइड इंडिया भी। तो मुझे लगता है कि बैंक के लिए एक अच्छा बिजनेस प्रपोजल है, उनका पोर्टफोलियो डिवाइड होता है राइट फ्रॉम रूरल इंडस्ट्रीज टू हाउसिंग मैकेनाइज इंडस्ट्रीज, रूरल इंडस्ट्रीज टू रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, कोई भी बैंक इस सेगमेंट को लेकर करके ग्रो नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बैंक एसएमईज को की मार्केट को देखते हुए, साइज को देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए अपनी ब्रांचेस, अपने प्रोडक्ट्स, अपने प्रोग्राम्स को फोकस करना। यहाँ पर तो दूसरे बैंक को भी ऐसा लगता है कि वो एसएमईज को लोन डिस्बर्सल के लिए ओपन है, क्या इस तरह का कोई चलो एलोकेशन आप लोगों ने कर रखा है कि हाँ एसएमईज को हम इतना डिस्बर्सल करेंगे? अगर बैंक है और स्पेशल स्कीम बनाई हुई है बैंकों ने उनको समझने के लिए, उनके हालात, उनकी जरूरतों को समझने के लिए स्टेट जा सकते हैं। आज के बैंक कोई भी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना दे और सभी एसएमई की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये जो जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे कस्टमर रिक्वायरमेंट करता है बैंक। आपको भी लगता है कि
sometimes the people tell us, like, hey, I feel like I'm okay, I can make you concerned, so good, but I just don't know how to do that. Like a dream.